नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं स्वाति। अगली खबर है जमीनी विवाद को लेकर, जहां विगत दिनों बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठी में हरिशंकर मिश्रा नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। आनन फानन में पुलिस ने मृतक के नाबालिग भतीजे को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मृतक हरिशंकर मिश्रा की पत्नी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या साजिश के तहत नाबालिग से करवाई गई है, जबकि इसके पीछे गिरजा शंकर मिश्रा और राकेश मिश्रा का हाथ है। महिला ने बताया कि गिरजा शंकर मिश्रा के द्वारा पहले भी उनके पति हरिशंकर के साथ मारपीट की गई थी, कई बार धमकियां भी दी गईं, जिसकी उन्होंने शिकायत भी बिछिया थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और उसी रंजिश के चलते साजिश रचकर नाबालिग भतीजे से हत्या करवा दी गई। महिला ने बताया कि जिस नाबालिग भतीजे को मोहरा बनाया गया है, सब साजिश के तहत किया गया है। सभी आरोपियों ने आपस में सौदा किया है कि शीघ्र ही आरोपी की न्यायालय से जमानत कराकर जो विवादित जमीन मिलेगी उसमें हिस्सा बांट कर लिया जाएगा। दरअसल शंका की वजह यह मानी जा रही है कि नाबालिग को कम सजा मिलेगी, जिसके चलते उसे मोहरा बनाया गया है। साजिश रचने की शंका मृतक की पत्नी के द्वारा व्यक्त करते हुए गिरजा शंकर और राकेश मिश्रा को आरोपी बनाने की मांग की है। हालांकि उक्त मामले की पुलिस अधीक्षक ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं मृतक की पत्नी क्या कह रही हैं। जी, हम आप SP के पास ये शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे पति की हत्या कर दी गई, उनको साजिश से मरवाया गया। जमीनी विवाद के कारण क्षितिज मिश्रा, जो कि नाबालिग है, उसको बोला गया कि तुम उनकी हत्या कर दो, फिर हम लोग जमीन वापस में बांट लेंगे, आधा आधा लेंगे, और उसी से हमारे पति की हत्या करवा दी। उसके आरोपी गिरजा शंकर राकेश मिश्रा, इन्होंने ही उसको नाबालिग कह के आज एक साल से ये, और गिरजा शंकर ने हमारे पति को आकर मारा भी, हमने FIR भी करवाई, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई बिछिया थाना ने नहीं की। आज हमारे पति को मार दिया गया, हमारे बच्चों को कौन सहारा देगा, कौन हमारा करेगा सब। अब उसकी सुनवाई आप लोग करिए, हमको न्याय दीजिए। कब की घटना है ये? 15 तारीख को, गुरुवार को हुआ है। रात को उनको टांगे से 8-10 टांगे कुल्हाड़ी से मारा, उनकी हत्या वहीं पे हो गई। इसका मुख्य आरोपी गिरजा शंकर है। इसने क्षितिज मिश्रा को, मैं बार बार कहती हूँ कि क्षितिज मिश्रा को इसने नाबालिग कहकर इससे मरवाया कि तुम मार दो। अब फिर क्षितिज मिश्रा ने उससे तुरंत मारने के बाद फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी जमानत लूँगा, उसकी पूरी कार डिटेल निकलवाई जाए, इसकी छानबीन अच्छी तरह से की जाए और हमको न्याय दिया जाए। जांच हमको प्रियंका त्रिपाठक और जगदीश से हैं, जगदीश ठाकुर दो, उनके साथ उनको भी हमको चाहिए, वो भी उसकी तहकीकात करें, वो छानबीन करें। प्रियंका पाठक अभी नहीं आए और वो उस दिन पिछले काफ़ी समय से जगदीश ठाकुर थे और उस दिन जगदीश ठाकुर ने ही उस क्षितिज मिश्रा को पकड़वाया, उनके साथ में उनकी मदद की, इसलिए हमको न्याय दिया जाए। और मैं बिछिया थाना में आई हूँ, अभी तक आरोपी बिल्कुल हंस खेल रहे हैं, हमारे घर में रो रो के सबका बुरा हाल है, लेकिन आरोपी खुलेआम फोन में बात कर रहे हैं, पुलिस वालों की मदद भी कर रहे हैं। नौगत थाना प्रभारी से आप मिली हैं प्रियंका? जी, प्रियंका पाठक से हमने मिला, उन्होंने हमारे घर गए, कल SP साहब भी हमारे घर गए थे, लेकिन हम SP साहब से 2 दिन से आ रहे, SP साहब किसी कारण बस हमसे मिल नहीं पा रहे। उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया है, हम बोले कि सर सुनवाई इसमें कीजिएगा, तो बोले हम करेंगे।